वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए और 14 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। अभी भी एक खिलाड़ी का नाम जो है अभी आना है बीसीसीआई, हो सकता है कि आज या कल इसके बारे में घोषणा कर देगी। लेकिन भारतीय टीम के पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण जी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि तीन तीन स्पिनर्स को कैरी करना ऑस्ट्रेलिया में ये गलती है। उन्होंने कहा कि तीन तीन स्पिनर्स का शायद हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो स्पोर्ट्स टॉक लगातार आपसे कह रहा है उनका भी एग्जैक्टली वही मानना है। उन्होंने कहा कि किसी भी दिन आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एक स्पिनर से ज्यादा प्लेइंग 11 में खिलाने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये भरत अरुण जी ने भी बात कही है, जो स्पोर्ट्स टॉक लगातार कह रहा है कि आपको चार फास्ट बॉलर, पांचवे हार्दिक पांड्या और एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली ये बात भरत अरुण जी ने भी कही है कि आपको किसी भी हाल में मैक्सिमम एक स्पिनर से ज्यादा आप नहीं खिला पाएंगे प्लेइंग 11 में। उन्होंने कहा कि तीन तीन स्पिनर्स को कैरी करना मुझे लगता है कि ज्यादा है, लेकिन एक स्पिनर को अगर ड्रॉप कर देती भारतीय टीम और उनके जगह पर अगर उमरान मलिक को टीम में शामिल कर लिया जाता तो ये कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प होता। ये भरत अरुण जी का कहना है, जिनके टेन्योर में भारतीय टीम की गेंदबाजी जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन रही थी, सबसे शानदार हमारी बॉलिंग लाइनअप थी, हमने कई सारे टेस्ट मैचेस जीते, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को भी ऑलमोस्ट हमने हरा ही दिया था उन्हीं के टेन्योर में, तब वो गेंदबाजी कोच थे और कमाल की उन्होंने यूनिट तैयार की थी। और उनका मानना है कि उमरान मलिक को यकीनन भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए था वर्ल्ड कप में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रफ्तार उमरान मलिक के पास में है और अगर आपने सही तरीके से फील्ड पोजिशनिंग कर दी उमरान मलिक की गेंदबाजी में तो वो विकेट लेना जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एक तो गेंद पड़कर काफी तेजी से निकलेगी, मैदान बड़े होते हैं और उनकी रफ्तार वाली गेंदों को क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। इसलिए उनका मानना है कि शायद टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ी भूल कर दी है, एक ट्रिक जो है वो मिस कर दिया, और यहां पर अगर एक स्पिनर को ड्रॉप करके अक्षर पटेल या फिर यजुवेंद्र चहल या फिर आपके रविचंद्रन अश्विन में से किसी एक को ड्रॉप करके आप अगर उमरान मलिक को लेकर जाते तो शायद आपके लिए एक विकल्प होता, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त गेंदबाज हैं, एक्साइटिंग गेंदबाज हैं, टी20 फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आईपीएल में भी अच्छी गेंदबाजी की। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान बहुत बड़े होते हैं, वहां की विकेट पर बाउंस होते हैं, ऐसे में उमरान मलिक आपके लिए काफी घातक हो सकते थे, लेकिन भारतीय टीम ने उमरान मलिक को अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में शामिल किया नहीं। अभी तो 14 ही है, एक की घोषणा होनी है, देखते हैं कि कब घोषणा की जाती है। लेकिन भरत अरुण जी का बयान बहुत बड़ा है, क्या आपको भी लगता है कि उमरान मलिक को मौका मिलना चाहिए या आपको लगता है कि जो स्क्वाड चुनी गई वो परफेक्ट है? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।